रहे हैं पूरी वो मिठाई की मंडी है और यहाँ पे ना मिठाई वालों को टाइम ही नहीं, वो पैक कर दे मिठाइयों को। मैं आपको दिखा दूँ कितनी सारी भीड़ है। अभी हम पहुंच चुके हैं और हम अंदर जाएंगे। विशु बैल बजाना है। दीदी नमस्ते। नमस्ते। हेलो। व्लॉगिंग शुरू। और गाइस आज मानसी दीदी का व्रत था। आज मानसी दीदी एक साल पकवान बने डिशेस तो हाँ मैं खा नहीं पा रही हूँ। पनीर की सब्जी नहीं खा पा रही। पनीर की सब्जी भी नहीं खाई मैंने। छोले बने वो भी नहीं खाए मैंने। और मानसी दीदी खा रही है ये आलू, मैश्ड आलू। इसे हिंदी में उबले आलू भी कह सकते हैं लेकिन थोड़ा बॉइल पोटैटो। हाँ हाँ बॉइल पोटैटो स्टाइलिश भी थोड़ा बॉइल पोटैटो। नमस्ते। नमस्ते भाई। आ रहे हैं और भाई सही हो? हाँ। अरे और गाइस ये मेरे गोपाल भैया। हाय कैसी हो? अच्छी हूँ। अच्छी हो? बहुत दिन बाद तुम्हारे दर्शन हुए हैं हमें। आपके भी बहुत दिन बाद दर्शन हुए। और हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। हम मिले थे लास्ट टाइम तीन साल बाद है। हाँ हम लास्ट टाइम मिले थे तो हम गए थे लाल किला। इस बार हम कहीं नहीं गए। हम घर पे इस बार भी जाएंगे। इस बार भी जाएंगे। हाँ स्त्री देखने चलेंगे। अच्छा बता दिया। हाँ बता दिया तुमको लेके चलेंगे। तो गाइस भाई ने ये बन करके दिखा रहे हैं भाई की पूरा अच्छा बन रहा है और वहाँ पे योजना बन रही है। वहाँ देखते हैं चल के। हमने एक बार मना भी किया है फिर बोले फिर क्या हो गए वहाँ मुफ्त में ये देखो यहाँ इस पे है कि नहीं एक बार बोला ना किसी को कैसे पूरा खुश रहो तुम क्या अभ्यास करो भाई सब मैंने विशु राखी बांध दी और अभी मैं बैठी हूँ। ये रहा विशु। राखी दिखाई अपनी। दीदी और मैं खा रहे हैं खाना और खाने में दीदी ने बनाया पूरा। इतनी दीदी सुबह से लगी हुई थी खाना बनाने में बिजी थी। ये है सेवई, ये है मटर पनीर, ये है छोले, ये है पूरी, ये है चाय। ये भी बता देती है अपने फोटोज में वीडियोस ले रही हूँ। विशु वापस आ गाइस। विशु साइकिल चला रहा है अभी। विशु वापस आ गई। विशु अगर तुमने हाथ नहीं डाली ना चलाते हुए मतलब रोके कहीं तो साइकिल को हाथ नहीं डालेगा तो मैं मान जाऊंगी तो असली मर गई। गाइस ये मेरी एक टेक्निक है कि मैं किसी को भी आ जा बांध लेता हूँ। ओ वाह गाइस यहाँ पे ये वंश भैया है, ये है छोटू मामा, ये है मानसी दीदी और ये सब बैठे हुए हैं। नमस्कार मैं उदय राजपूषा और आज रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में सभी मेरे मित्रगण हमारे साथ मौजूद हैं।
आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे आयुष दीक्षित जी जो कि कानपुर में रहते हैं और अभी स्पेशली रक्षाबंधन के महापर्व पर वीर से मिलने आए हैं। साथ में हमारे साथ हैं मानसी मिश्रा। मानसी मिश्रा जी का परिचय मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, ये अपना परिचय खुश है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं छत पर, मी एंड मानसी दीदी। गाइस हम छत पे चढ़ चुके हैं, ये मानसी दीदी। यहाँ पे खड़े हुए हैं और यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा तो नहीं हो रहा, गर्मी हो रही है। हाँ यार गर्मी बहुत हो रही है, बारिश नहीं हो रही। काले मेघा पानी तो बरसाओ। अरे तो चाचा की तरह लगते कौन? नहीं थोड़ी थोड़ी मतलब नहीं ऋतु चाचा बहुत स्मार्ट हैं, ब्रीड हमारे आदरणीय है ऋतु चाचा, मतलब परिवार के ही लगते हैं ऐसे। और यहाँ मौसम बहुत अच्छा तो नहीं हो रहा, गर्मी हो रही है। हाँ यार गर्मी बहुत हो रही है, बारिश नहीं हो रही। काले मेघा पानी तो बरसाओ, काले मेघा पानी तो बरसाओ। मैं किसी बात से गुस्सा थी, हेलो पता नहीं किस बात से नाराज थी, हेलो और मैं नीचे किसी को बिना बताए मैं यहाँ पे आ गई, मुझे सब में ढूंढ लिया आगे कहाँ है कहाँ है कहाँ है, किसी ने ढूंढा ही ऊपर त्रिकाबुत्री। ये तन्नू वीडियो बना रही है तो ऐसी करा तब मैं फिर मैं नीचे डांट पड़ी और ये हुआ। सो गाइस अभी रात हो चुकी है और अभी हम जा रहे हैं घर, क्योंकि हमें एक जगह और जाना है, एक दूसरे मामा के यहाँ जाना है, मेरे दूसरे मामा के यहाँ। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं गाइस, मन तो नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे सारे कजन यहीं पे हैं, वहाँ पे कम है, बस एक ही कज़न है वहाँ पे छोटी सी। तो अब वहाँ जाते हैं और फिर गाइस बैकग्राउंड देखो कितना मस्त है। सो गाइस अब हम पहुंच गए हैं और अभी हम यहाँ कुत्ता भौंक रहा है, बैल बजा रहे हैं भैया, उनको बैल नहीं पता कौन सी बैल है, अभी सर्च कर रहे हैं कौन सी बैल है। गाइस ये मेरी मामी है। हेलो फ्रेंड्स, हाय। सो गाइस अब हम अपनी दूसरी मामू को राखी बांध ली है और अब हम जाने की व्यवस्था मतलब जाने की सोच रहे हैं और मम्मी बैठी हुई है, भैया कहीं जा रहे हैं, चलो चलो जा रही हूँ। हमारे सब हम जा रहे हैं घर पर और यहाँ पे मम्मी मम्मी पैकिंग कर रहे हैं और श्रेय बोल रही है, सो रही है और ये मामा और भैया यहाँ बैठे हैं। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं घर से, अब हम जा रहे हैं दूसरे घर पर। और गाइस आज ना पहले बहुत अच्छा फील कर रही थी, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ।